बड़ी खबर, कोरोना वायरस पर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बड़ा बयान। ट्रंप प्रशासन कोरोना वायरस के ओरिजिन का खुलासा करने के करीब पहुंच गया था। माइक पॉम्पियो ने कहा, चीन के वुहान लैब से लीक हुआ था कोरोना वायरस, ट्रंप प्रशासन के पास सबूत थे। ये बड़ी बात है, यानी कि माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट है कि ट्रंप प्रशासन ने ही इसका जो स्पिलओवर था करना शुरू कर दिया था। क्या कहा है माइक पॉम्पियो ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। माइक पॉम्पियो का जो स्टेटमेंट है उसको देखें, समझें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां पर ये देखें क्या कहा इन्होंने। चीन पर पॉम्पियो का आरोप, ट्रंप प्रशासन कोरोना ओरिजिन का खुलासा करने के करीब पहुंच गया था। नंबर वन। नंबर टू, चेंज करें इसको। यहां पर कोरोना के ओरिजिन को लेकर ट्रंप प्रशासन के पास बहुत ज्यादा सबूत थे। कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही लीक हुआ था। ट्रंप प्रशासन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर जांच के लिए बहुत दबाव बनाया था। ट्रंप प्रशासन ने साफ किया था कि चीन को कोरोना से हुए नुकसान के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। मैं जाऊंगा सीधे इस ग्राफिक के साथ सुरेश सर के पास मैं आऊंगा। सर, पहले तो माफी चाहूंगा आपको इंतजार कराने के लिए, लेकिन मैं चाहता था प्योरली डिप्लोमेसी के लिहाज से अगर चीज सामने आए तो मैं उस पर आपको इन्वॉल्व करूं। अभी के जो हालात हैं सर, क्या यह समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने जो काम किया उसके बाद बाइडेन जो है वो प्रेशर में है और वहां से जो चीजें लीक कर रही हैं वही स्पिल ओवर हो रही है वॉशिंगटन पोस्ट में, वही स्पिल ओवर हो रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल में? देखिए, दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जी। पहली बात तो ये है कि हम ये डिप्लोमेसी में भी कोई क्या कह रहा है उसकी बात का एकदम यकीन नहीं रखते हैं कि वो हमेशा सही बोल रहा होगा। कई बार अपने हालात को देखते हुए जिस बात को कहा जाता है, किस तरीके से कहा जाता है, उस बात को अलग अलग सोर्सेस से चेक भी करना पड़ता है। सुरेश सर, मैं आपको थोड़ा सा एक सेकंड यहाँ पर रोकना चाहूंगा, बस मुश्किल से फॉर अबाउट 20 सेकंड्स। हमारे जितने भी दर्शक हैं, घड़ी देख लें आप, 4:22 पर मैं आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन की थी उसकी एक एक जानकारी आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और हम रोहित के पास जाएंगे उसको लेकर, एक एक जानकारी 4:22 पर। प्लीज गो अहेड सुरेश सर। तो उसमें जो है, अगर ट्रंप से, अगर ये पॉम्पियो ने ये कहा है या किसी ने क्या कहा है, उसको कॉरोबोरेट करने की या चेक करने की जरूरत होती है। एक तो पॉइंट एक ये है। दूसरी बात ये है कि वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में अब कोई शक की बात नहीं रह गई है। आपको ध्यान है कि दिल्ली IIT के जो थे एक सीकर हैं, उनकी रिपोर्ट है, मिनर्वा रिपोर्ट है, सबकी रिपोर्ट से ये जाहिर है कि जो वायरस है, वायरस की जीनोमिक सीक्वेंसिंग से मालूम चला है कि उसमें जो प्रोटीन्स यूज किए गए हैं 5 तरह के अलग वायरसेस को सैंडविच करने के लिए, वो ये नेचुरल तौर पर नहीं हो सकता है, ये लेबोरेटरी में ही हो सकता है। और कहाँ हुआ ये जांच करने वाली बात है, लेकिन जहाँ तक लोगों का अंदाजा है कि वुहान में ही आखिर में ये हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन ये करना है कि वुहान से जो वायरस निकला ये डेलिबरेटली लीक किया गया, यह एक्सीडेंटल लीक हुआ, या चीन इसको एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर देखना चाहता था कि इसका असर क्या होता है। इकोनॉमी का एंगल, जो GDP ग्रोथ का एंगल आया वो अच्छा एंगल आया, तो ये भी एक हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ फौची की, बाइडेन की और पॉम्पियो। देखिए, फौची जब तक रहे ट्रंप के साथ में, कभी भी ये बात सामने नहीं आई, और फौची ने भी इस बात को दबाने की कोशिश करी कि ये वायरस एक सिंथेटिक वायरस हो सकता है। उन्होंने इस बात को एक रिडिकुलस बोल करके हंसी में उड़ा दिया था ये। लेकिन अब वो ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि ये वायरस नेचुरल वायरस नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक सच्चाई है। और क्यों, अब क्यों मानने को तैयार है, क्या प्रेशर आया है? मुझको लगता है कि जब बाइडेन साहब ने कहा कि वो इस सारी चीज़ों की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट का होता यह है कि जो भी डाटा माइनिंग करके अभी सामने जो तथ्य हैं उनको देख करके एक कोजन थीसिस थियरी बनाई जाए कि इस तरह से ये हुआ होगा। और उसको देखते हुए अब जो सच सामने आ रहा है कि ये एक वायरस मैन्युफैक्चर करके गेंस ऑफ फंक्शन रिसर्च के तौर पर इसको बना करके क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है, अब ये सामने आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।